अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे PRC 1 बिजनेस राइटिंग के हवाले से कि आप इस पेपर को किस तरह पास कर सकते हैं, किस तरह आप लेके चलेंगे। सबसे पहली बात यह कि आईके अपने आपके सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर हिस्से को कुछ ना कुछ मार्क्स एलोकेट कर दिए। पहली ग्रेड जो है हमारे पास कम्प्रीहेंशन की है, यहाँ पर आपसे जो है वो आपके कम्प्रीहेंशन पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपने रीड करना है और उसके बाद नीचे आपको MCQs में से राइट और सूटेबल ऑप्शन जो भी आपको लगती है वो आपने ऑप्ट करनी है। इसके अलावा इसी कम्प्रीहेंशन के जो है वो आपसे प्रेसी टेस्ट करेगा, जो कि आपने प्रेसी जो है वो उसको बना के नहीं, उसको साइज करके, उसको शॉर्ट करके जो है वो आपने उसको बताना है। नेक्स्ट ग्रेड जो है वो आइडिया जनरेशन है, यहाँ पर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और थिंकिंग टेक्निक्स को जो है वो टेस्ट करेगा, आपके अजम्पशंस को टेस्ट करेगा। लास्ट ग्रेड जो है वो बिजनेस करेस्पोंडेंस की है, यहाँ पर आपसे वोकैबुलरी को टेस्ट करेगा, आपसे जो है वो लेटर्स, रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट जो है, मेमो है, ईमेल किस तरह जो है वो आप लिख सकते हैं, ईमेल्स के अंदर क्या क्या जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन चीजों को जो है वो यहाँ पर आपसे टेस्ट करेगा। स्टेटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो चैप्टर 1 है वो बेशक ना भी रीड करें क्योंकि उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। चैप्टर 2 जो है वो हमारे पास उसको जो है वो आप लाजमी रीड करें, ठीक है, थोड़ा सा मेमोराइज करें कि लेटर क्या होता है, मेमो क्या होता है, ईमेल्स क्या होती हैं, किस किस बॉडी क्या होती है ईमेल की, ठीक है जी। और इस तरह जो आपके पास एक फॉर्मेट होता है बिजनेस लेटर का, वो आपको उस चीज का आइडिया हो, ठीक है। चैप्टर थ्री के अंदर आपके पास रिपोर्ट है, इसकी अगर आप चीजों को रीड ना भी करना चाहे तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लास्ट के ऊपर जो आपको चीजें प्रोवाइड की गई हैं, टेस्ट सेट टेस्ट प्रोवाइड किया है, वो लाजमी करें। इसी तरह चैप्टर 4, ये चैप्टर जो है आपके पास वोकैबुलरी लाजमी टेस्ट करता है, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई है, आप उस असाइनमेंट को लाजमी जो है वो लाजिम मंजूम जो है वो उस असाइनमेंट को करें। उस असाइनमेंट से आपको फायदा ही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह चीजों को लेके चलना है। इसी तरह आपको ऐसी लर्निंग की वेबसाइट के ऊपर जो है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंग्लिश डिटेलिंग वगैरह मिल जाएगी, इसको आप करें, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड लिस्ट है, इडियम्स है, इन चीजों को आप करें, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से जो है वो रिटेन करें ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंडेबल हो सके। कम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए आपको ऐसी लर्निंग की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट कम्प्रीहेंशन मिल जाएंगे, जहां से आप उस कम्प्रीहेंशन पैसेज को रीड करें, उसके बाद उसके MCQs का रिक्वायर्ड आंसर जो है वो चूज करें, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस चैप्टर को भी बेशक रीड ना करें, लास्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास, लेकिन इस लास्ट चैप्टर के जो आपको सेल्फ टेस्ट दिए हैं उनको लाजमी जो है वो आप परफॉर्म करें। अच्छा, अब इस पेपर में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इस पेपर में आपके पास जो आपने एरियाज हैं जहां पर आपने फोकस करना है वो है वोकैबुलरी, idioms, synonyms, antonyms, और इसके अलावा जो है वो आपके पास comprehension passage, उसकी प्रेसी आपको करना आती हो, ठीक है। comprehension passage की जो प्रेसी है 10 मार्क्स की लाजमी आपसे पूछेगा, जो कि आपने required comprehension passage को रीड करना है और उसके बाद उसको आपने टाइप करके उसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर सकते, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने की आइडियाज जो है वो आपके क्लियर हो जो आप प्रोवाइड करें। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेज को रीड करें और उसके बाद चैट जीपीटी को वो प्रोवाइड करें, वो आपको समराइज फॉर्म करके दे देगा, उसको एक दो बार इस तरह के प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो आप कम्प्रीहेंशन पैसेज ड्रिल डाउन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप उसको एक कम्प्रीहेंशन पैसेज दें और उसके बाद अपनी प्रेसी लिख कर उसको चेक कराएं ताकि वो चेक कर सके। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो हमारे टेस्ट सेशन अवेलेबल है, वहां पर आकर आप जो है वो रिटन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर आपका एसए का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, प्रेसी का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, लेटर का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके अलावा फुल बुक टेस्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगे, एंटोनिम्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, इनके टेस्ट जो है वो आपसे परफॉर्म कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे एसए राइटिंग आपसे पूछेगा 30 मार्क्स तक, ठीक है। ऐसे कैसे लिखना है वो आपको आना चाहिए, लेटर राइटिंग के बारे में आपसे जो चीजें को टेस्ट करेगा, फॉर्मेट क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, इन चीजों को, बॉडी क्या होती है, उसमें सिग्नेचर लाइन क्या होती है, इन चीजों को जो वो आपसे टेस्ट करेगा। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपसे 20 मार्क्स तक जो है टेस्ट कर सकता है, आपसे रिपोर्ट लिखवा सकता है, आपसे मेमो राइटिंग करवा सकता है। तो इन तमाम चीजों को आप अच्छे तरीके से जो है वो ग्रिप करें क्योंकि इस पेपर के अंदर आपसे रिटन पोर्शन भी है और आपके साथ ही साथ जो MCQs पोर्शन भी आपसे टेस्ट करेगा। हेल्प कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं इस पेपर में जो है वो, चैट जीपीटी से आप मदद ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि जी ये मेरा टॉपिक है ऐसे का, वो आपको पूरा एक ऐसे प्रोवाइड कर देगा, वो आप उसको जो है वो रीड डाउन कर सकते हैं। इसी तरह आप उसको ऐसे लिख के चेक करा सकते हैं
सकते हैं, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट कर सकता है, आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ग्रामरली मिस्टेक का, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा। वो एक एक्सटेंशन है जो कि क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी, और उसके बाद आप उस एक्सटेंशन को यूज करते हुए वहां पर अपना कोई भी, अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे लेटर कुछ भी लिखेंगे उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो नीचे आपको रेड कलर में अंडरलाइन करके बता देगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने इसमें की है, कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं। वो फ्री वर्जन है जो कि आपको इस हद तक एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, और आप इजीली वहां से जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको मुश्किल आ रही है तो अगेन आपके लिए कस्टमाइज टेस्ट सेशन बिल्डअप किए गए हैं, जहाँ पर आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। रिटर्न और एमसीक्यू दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एसए के दो रिटर्न टेस्ट लिए जाएंगे, इसी तरह पैसे के दो रिटर्न टेस्ट लिए जाएंगे, लेटर के दो रिटर्न टेस्ट लिए जाएंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस के अंदर आपने जो है वो इसके आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है। मॉडल पेपर को लाजमी करें, मॉडल पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने चीजों को जो है वो एड्रेस करना है, किस तरह आपने चीजों को जो है वो आंसर करना है। इस तरह देखें आपको टाइपिंग के अंदर ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आप इसको टाइप कर सकते हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज बोनाफिशियल डायग्राम, वो आपसे लाजमी जो है वो टेस्ट करता है। ये देखें यहाँ पर बोनाफिशियल डायग्राम जो है वो उसने टेस्ट की हुई है, ठीक है, तो उसको वो लाजमी टेस्ट करता है। इसके अलावा जो है बाकी भी जो है वो ग्रामेटिकल थिंग्स वगैरह जो है वो टेस्ट करता है, प्रेसी टेस्ट करता है, कम्प्रिहेंशन प्रेसी, ये दो क्वेश्चन लाजमी है, और इसके अलावा बोनाफिशियल डायग्राम वाला क्वेश्चन भी लाजमी है। बाकी जो है एसे, लेटर, मेमो, इनमें से जो है वो वेरी टू वेरी जो है वो क्वेश्चन, यानी कि रिपीटेड रिपीटेड कभी कोई जो है वो इन बेसिस के ऊपर चीजों को जो है वो टेस्ट करता रहता है। तो अगेन इसका सोल्यूशन मॉडल पेपर का, तमाम नोट्स, मटेरियल, असाइनमेंट्स, फीडबैक, सब कुछ आपको जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, उसको लाजमी जो है वो करें। और किसी भी किस्म की आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। AI चैट जीपीटी का अच्छे तरीके से यूज करें, इसी तरह ग्रामरली का भी आप अच्छे तरीके से यूज करें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह हाफिज।